हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से टिकला स्वागत है। आज मैं क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के लिए ये बताने वाला हूँ दिन में कितने घंटे होते हैं। 24 घंटे होते हैं ना, 24 घंटे में आप क्या करो, कैसे करो। और 24 घंटे में मैं गारंटी लेता हूँ, जितने मैं बताऊँगा आप उससे सहमत होंगे, लेकिन सहमत हो जाएंगे वीडियो देखने के बाद, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, मुझे पता है, लेकिन उसको फॉलो करना मुमकिन पड़ जाता है काफ़ी लोग को। और यदि अगर फॉलो कर ले गए तो मैं 100% कहता हूँ आप सक्सेस पा जाएंगे, 100% श्योर है। तो अगस्त तक आप बीत चुका है, सितंबर से आप यही अगर लागू कर ले गए तो आपके जीवन में एक बार फिर से आपका मौका दे देगा। तो अपने जीवन को एक बार और मौका दो, एक बार पढ़ना फिर से स्टार्ट करो और अपने जीवन को एक नए मोड़ पर, एक नए रंग रूप के साथ लेकर जाइए। मेरा यही प्रयास रहेगा और मैं लगातार आपके हर एक संभव प्रयास कर रहा हूँ कि आप किसी ना किसी तरह, मैं कितना भी परिश्रम करूँ, मोटिवेशन वीडियो बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ, लेकिन आपको, आपके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो आपको जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपका साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ, लगातार मैं आपके साथ बना रहूँगा। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक मैं पढ़ाता रहूँगा एटी क्लासेस पर, ठीक है। अब देखिए, सितंबर से पढ़कर जो टाइम टेबल बता रहा हूँ, तो सितंबर है ना, तो सितंबर को मैं ऐड कर लेता हूँ, कितने महीने बच रहे हैं। आपको ये डिसीजन लेना है कि कब तक आपका सिलेबस ख़त्म कर देते हैं। आपका मैं कहूँ तो दिसंबर तक पूर्ण रूप से सिलेबस जो है ख़त्म कर देना चाहिए आपको। यदि मेरे हिसाब से चलो तो सिलेबस दिसंबर तक ख़त्म कर देना चाहिए आपको। जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से करेंगे तो 100% श्योर है ख़त्म हो जाएगा। दिसंबर तक यदि सिलेबस ख़त्म कर ले जाते हैं तो आपकी जैसा कोई नहीं है। दूसरा स्टेप एक और बताना चाहूँगा, जैसे जो है, जैसे लेसन वाइज पढ़ना भी स्टार्ट करो। जो भी लेसन पढ़ो सॉलिड पढ़ो, क्या करना है सॉलिड पढ़ना है। और ये मत दिखावटी में मत पढ़ो कि मैंने आज मम्मी इतना पढ़ लिया, आज 3 लेसन ख़त्म कर लिया, भैया मैंने इतना कर लिया, गौरव मैं इतना कर दिया, राम मैं इतना पढ़ लिया हूँ। ये दिखावटी मत करो यार, कब तक दिखावटी करोगे। आपका कोई दिखावटी नहीं मानेगा, आपके फूफा मामा मामी नहीं मानेंगे दिखावटी, आपके दिखावटी नहीं मानेंगे गाँव वाले। आप कितने लोग से जाकर कहेंगे कि मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ, आपका सिर्फ देखेंगे। चलो ऐसे आप जाके कहोगे कि मैं इतना देर भैया पढ़ता हूँ तो क्या बोलेंगे वो, ठीक है रिजल्ट भी आएगा देख लेंगे, रिजल्ट किस प्रकार से आएगा वो तो पता ही चल जाएगा बाद में, ऐसे बोलते हैं ना। तो उनको मत दिखावटी कराओ, आपको क्या करना है, जो भी पढ़ो सॉलिड पढ़ो, लेसन वाइज ख़त्म करो। आपको टारगेट करना है इतना लेसन इतने दिन में मुझे ख़त्म करना है, ये क्लियर हुआ। अब आपको मैं बताऊँगा जो बताने के लिए इस वीडियो में आया हूँ, कितना देर सोना चाहिए, कितना देर क्या करना चाहिए, इसमें मैं बताऊँगा। देखिए सबसे पहले आप सबको नींद तो बहुत लगती होगी, क्योंकि जब मेरे भी समय में मुझे बहुत नींद लगता था, जब क्लास ट्वेल्थ या टेंथ में थे तो नींद बहुत जलता ज़्यादा लगता है, ये सिंपल सी बात है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सोइए कितना देर आप सोते हैं, कितने देर सोना चाहिए आपको, 6 घंटे, कितने देर, 6 घंटे, लेकिन मैं बोलता हूँ 8 घंटे सो, कितने घंटे, 8 घंटे। क्या करना है आपको, स्लीप सोना है, ठीक है, कितने घंटे, 8 घंटे, चलो सो जाओ 8 घंटे। मैं कुछ कहा नहीं, कहा ना 8 घंटे सो, डेली सो 8 घंटे यार। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं रात में भी सो रहा हूँ, दोपहर को भी सो रहा हूँ, शाम को भी थोड़ा टहल रहा हूँ, टहलने का भी समय दूंगा लास्ट तक, देखिएगा 100% श्योर है आप उससे सहमत हो जाएंगे, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, कर ले जाएंगे 1-2 स्टूडेंट बस, ठीक। तीसरा हुआ, चौथा देखिए, चौथा क्या है, आपका जो स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चलता होगा, चलता है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, वैसे चलता होगा स्कूल वाला ऑनलाइन क्लास, स्कूल में जो ऑनलाइन क्लासेस है वो 6 घंटे आप करिए, कितने घंटे, 6 घंटे, स्कूल का जो ऑनलाइन क्लासेस है उसको 6 घंटे करिए और आप 8 घंटे सोइए। पांचवा जो आपका स्टेप है, यूट्यूब तो आप बहुत देखते हैं, मान लीजिए टिकटॉक ख़त्म हो गया लेकिन स्नैक वीडियो एक आ ही गया ऐप, तो कोई बात नहीं उसको देखिए, जो भी मन हो वो करिए, मैं अभी टाइम दूंगा उसके लिए भी। यूट्यूब पर पढ़ाई करिए 3 घंटे, यूट्यूब पर कितने घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ाई करना है, ठीक, और रिवीजन करना है फटाफट। पांचवा क्लियर हुआ ना आपका, छठा देखेंगे, एक चीज़ और है, टहलने का खेलने का, वॉकिंग,
वॉकिंग मतलब टहलना होता है ना, मैं इसमें आपको टहलना समझ लो या खेलना समझ लो, क्रिकेट खेलना, वॉलीबॉल खेलना, हॉकी खेलना, कबड्डी खेलना, जो भी आप खेलना हो खेलो, मैं नहीं रोकता हूँ। कितने घंटे खेलो? 4 घंटे। यार 4 घंटे तो बहुत दे दिए भैया, मैं इतना देर नहीं खेलता। बोलोगे ऐसा ना, खेलो यार मैं नहीं कह रहा, कम खेलो ये तो बहुत अच्छी बात, लेकिन 4 घंटे से ज़्यादा आप मत खेलो। अब यदि आप पूरा ऐड करेंगे तो 21 आवर हुआ, ऐड कर लेना कितने हुए, 21 आवर हुआ, कितने हुए, 21 घंटे हुए। कितने एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे बच रहे हैं? 3 घंटे, 3 आवर बच रहे हैं ना, 3 आवर। प्लीज इसको ज़रूर समझिएगा, 3 घंटे आपको क्या करना है, रिवीजन। अगर रिवीजन नहीं करते हैं आप, 1 घंटे रिवीजन करिए, चलिए छोड़ दीजिए, 1 घंटे रिवीजन करिए। आप करोगे रिवीजन 1 घंटे? ठीक है, 3 घंटे छोड़ ही दीजिए, 1 घंटे करिए रिवीजन, 1 घंटे सिर्फ रिवीजन करिए, और जो 2 घंटे बच रहे हैं 2 घंटे में और अपना कोई काम कर लीजिए, इससे मुझसे नहीं मतलब। लेकिन रिवीजन बहुत बड़ा रोल निभाता है अपने आप में। बस मुझे इस वीडियो में इतना ही बताना था कि आपको कितना देर क्या पढ़ना है, और साथ में ये बता दूँ क्लास 12th के लिए कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना चाहिए, ठीक। और क्लास 10th के लिए भी बताऊँगा, लास्ट तक ज़रूर वीडियो देखिएगा, थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाएगा लेकिन लास्ट तक ज़रूर देखिए, ध्यान से समझिएगा। पहले क्लास 12th के लिए बता रहा हूँ, फिर 10th के लिए बताऊँगा, ध्यान से समझिए। क्लास 12th वाले ध्यान दे, 5 सब्जेक्ट होता है, 5 में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। देखिए ऐसा आप सब मत करिएगा कि अब हिंदी नहीं पढ़ूंगा, केमिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा, या मुझे ये आता है ये नहीं पढ़ूंगा, ऐसा मत करिए। सभी सब्जेक्ट को टाइम दीजिए आप, इतने घंटे यार पढ़ने का। देखिए यहाँ पर स्कूल ऑनलाइन क्लासेस 6 घंटे, 6, 7, 9 घंटे हो गए टोटल ना। तो देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, जो आपका सब्जेक्ट वीक है प्लीज़ ध्यान से समझिए, जो आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है वो सुबह मॉर्निंग में ही पढ़ें आप। कब पढ़ेंगे? मॉर्निंग में पढ़ें, और बहुत ही अच्छे तरीके से याद होगा। कम से कम 2 सब्जेक्ट, एक हिंदी उठा लीजिए, इसमें से अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में एक कोई वीक है आपका सब्जेक्ट तो उसको उठा लीजिए मॉर्निंग में। समझ हुआ आया? मुझे यही बताना था कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है। इसमें देखिए, इसमें भी हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, साइंस हुआ, सोशल साइंस हुआ, और इसी तरह कंप्यूटर हो गया या कुछ और सब्जेक्ट हुआ। तो कंप्यूटर यदि आप लिए हैं तो उस पर बहुत 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 बड़ा महत्व रखता है। कंप्यूटर में नंबर कम आते हैं तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है कंप्यूटर पर। और जो आपका जैसे हिंदी हो गया और सोशल साइंस रटने वाला नहीं, समझने वाला चीज़ है, ठीक है ना। तो सोशल साइंस भी आप सुबह पढ़ें, 3 सब्जेक्ट आप सुबह पढ़ेंगे, जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसे सुबह ज़्यादा ध्यान दें। तो बस इस वीडियो में इतना ही बताना था मुझे। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अब आ रहा है 25,000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, आपको फ्री नोट्स मिलेगा। क्लास 10th वाले और 12th वाले 200 लोगों को ग्रुप में ऐड करूँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बिल्कुल फ्री नोट्स रहेगा। धन्यवाद।